तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो। बेसिकली इसमें क्या कहा जा रहा है, एक ब्लॉक स्लाइड डाउन ए इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी कांस्टेंट का क्या मतलब होता है भाई? एक्सलेशन जीरो से स्लाइड कर रहा है। इट इज प्रोजेक्टेड अप द प्लेन विद वेलोसिटी यू, डिस्टेंस अप टू विच राइज। समझना, सबसे पहले ये सोचना है कि स्लाइड कांस्टेंट वेलोसिटी से कैसे कर सकता है इंक्लाइंड प्लेन पे, जबकि इंक्लाइंड प्लेन पे अगर तुम देखोगे, यहाँ इंक्लाइंड प्लेन पे है, तो इस वाले ब्लॉक पे यार, इंक्लाइंड प्लेन पे तो एक फोर्स तो लगेगी ही लगेगी। उस फोर्स का क्या नाम है भाई? जो वर्टिकली डाउनवर्ड जो फोर्स लगेगी वो तो mg sin थीटा तो लगेगी ही लगेगी, और नॉर्मल तो लगेगा ही लगेगा, और mg cos थीटा इधर लगेगा जो कि mg का एक कॉम्पोनेंट है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इसकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है? यहाँ से स्पीड जो है वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सलेशन जीरो। ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब इधर एक फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करता हो और वो mg sin थीटा को कैंसिल करता हो, तब जाके ये ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से आएगा और कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो सबसे पहले इस सरफेस पे म्यू कितना है वो हमें नहीं पता, म्यू ही निकाल लेते हैं। तो नॉर्मल ने बैलेंस किया होगा mg cos थीटा को, तो ये हमें पहले से पता है, और फ्रिक्शन बैलेंस किया होगा mg sin थीटा को, तभी जाके इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एन आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा mg sin थीटा, और म्यू एन की वैल्यू आ जाएगा यहाँ से mg cos थीटा, और यहाँ से mg sin थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से mg ने mg को ख़त्म कर दिया, तो म्यू इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा tan थीटा। तो म्यू की वैल्यू यहाँ से tan थीटा आ जाएगी। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ से आ गया, म्यू इज इक्वल टू tan थीटा। अब आप देखोगे व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड अप, अब कहानी बदल दी, दूसरी कहानी है। पहली कहानी प्रोजेक्टेड मतलब क्या होता है बच्चों? फेंक देना। अगर मैं इस इंक्लाइंड प्लेन पे एक ब्लॉक को फेंक दिया ऊपर की डायरेक्शन में, यहाँ से मैंने फेंक दिया, समझना। तो अगर मैं यहाँ से इसको ऊपर फेंक दिया यू वेलोसिटी से, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये रिटार्ड होगा, वो रिटार्ड होगा, एक्सलेशन वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, फाइनली कहीं पे जाके ब्लॉक भी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो यू से फेंके थे और ये कांस्टेंट रिटार्डेशन पीछे काम कर रहा, फाइनली ये रुक गया। तो ये जो डिस्टेंस एक्स है, हमें इसी की कैलकुलेशन करनी है, तो कितनी दूर जाके रुक गया है, ठीक है एक्स। तो ऑब्वियसली थर्ड इक्वेशन हम मोशन यहाँ अप्लाई कर दोगे, v² - u² = 2as, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो 0 का स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस 2 एक्सलेशन है रिटार्डेशन एक्स, तो एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी u² / 2a। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर जो ए है एक्सलेशन रिटार्डेशन है वो अननोन है, वो हमें नहीं पता है। तो अब हमें यही ए हमें निकालना है जो कि इधर रिटार्ड हो रहा है, यही ए हमें निकालना है। तो कुल मिला के अगर आपको ये याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो याद कर लो यार। रिटार्डेशन जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सलेशन होता है, जो ब्लॉक ऊपर से नीचे आता है रफ सरफेस पे, एक्सलेट होता है, या नीचे जो लगेगा वो आ जाए g sin थीटा + μ cos थीटा। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है जिसको तो वो निकालेगा। तो ये ब्लॉक जब ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी ऊपर है और इधर लग रहा है फ्रिक्शन, और इधर ही लग रहा है mg sin थीटा, ठीक है, और ऊपर लग रहा है यहाँ पे नॉर्मल, और नीचे लग रहा है यहाँ पे mg cos थीटा जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये इसकी वेलोसिटी इधर है, इधर कोई फोर्स ही नहीं है। ठीक है, तो अगर तुम देखोगे यहाँ पे, तभी तो रिटार्ड हो रहा है, सक्सेस हो जाएगा ये फ्रिक्शन, mg cos थीटा मिलके सक्सेस हो जाएंगे। तो एक्सलेशन एक्सलेशन इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन मास, ठीक है, तो फोर्स इस पे कुल इस लाइन में अलोंग द इंक्लाइन प्लेन रहा, फिक्स फ्रिक्शन प्लस mg sin थीटा लग रहा, और डिवाइड कर दूँ मास से, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू एन, एन की वैल्यू कितना आ जाएगा mg cos थीटा, तो mg cos थीटा + यहाँ से mg sin थीटा और इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई स्मॉल एम। तो अगर तुम देखोगे m यहाँ से कैंसिल हो गया, तो एक्सलेशन की वैल्यू आ जाएगी g sin थीटा + μ cos थीटा, ठीक ना। तो अब यहाँ से जी और साइन थीटा और म्यू कॉस थीटा तुम पहले ही निकाल लेते, तो म्यू की वैल्यू कितनी थी tan थीटा, और यहाँ से कॉस थीटा। तो अब मैं एक्सलेशन को यहाँ से सॉल्व करता हूँ, तो g sin थीटा यहाँ से, और प्लस tan थीटा को मैं ब्रेक कर देता हूँ, साइन थीटा यहाँ से साइन थीटा अपन
कॉस थीटा, और यहाँ से एक कॉस थीटा पहले से पड़ा था, इस कॉस ने इस कॉस को ख़त्म कर दिया, तो एक्सलेशन 2g sin थीटा वर्टिकली डाउनवर्ड रिटार्डेशन इतना है। अब इसको क्या करना है, जो हमें इक्वेशन था x इक्वल टू ई स्क्वायर कितना दूर गया उसमें रख दो, तो x इक्वल टू क्या था, ई स्क्वायर अपॉन 2a, तो यहाँ से ई स्क्वायर अपॉन 2a की वैल्यू रखेंगे तो 4g sin थीटा इतना दूर जाके वो स्टॉप हुआ होगा। तो फाइनली इसका जो सोल्यूशन है वो ई स्क्वायर 4g sin थीटा, मतलब ये आ जाएगा, ए ऑप्शन मैच कर जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।